जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है, तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे और ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। July 14, 2024 पेंसिल्वेनिया अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। अमेरिका के खूनी इतिहास में एक और तारीख दर्ज हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा था। Take a look what happened. महज 10 दिन बीते थे और पेंसिल्वेनिया में ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिका थर्रा गया। Take a look what happened. सारी की सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गईं। दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा करने वाली एजेंसी मानी जाती है सीक्रेट सर्विस, और उसकी नाक के नीचे उसके सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए एक 20 साल के शूटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर अपने गन लेकर सुरक्षा करते रह गए और अमेरिका के इतिहास में एक और खूनी तारीख दर्ज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2007 से 2012 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इस बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर नाम की जगह पहुंचे थे, जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी गोलियां चली और वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप को गोली लगी, वो वहीं गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन गोलियां चलती रहीं। Take a look what happened. वहां मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर ने सब कुछ अपने लेंस के जरिए कैद किया है। सुनिए क्या हुआ था उस वक्त। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. You know, I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops. And I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fist again. हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में रैली में मौजूद एक आदमी की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी, वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले की जाँच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है और कहा है कि ये हत्या का प्रयास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार को जान से मारने की कोशिश की गई है। What we're calling an assassination attempt against our former president Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well.
अमेरिका में हुई यह घटना पिछले दो दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती हमला हो गया। We noticed the guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. Take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद डेलावेयर में वीकेंड पर अपने घर गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत एयरफोर्स वन से वॉशिंगटन डीसी निकलने का निर्णय लिया। वो व्हाइट हाउस पहुंचकर सुरक्षा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। जो बाइडेन ने इस दौरान ट्रंप से बात की, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर और बटलर के मेयर से भी बात की। उन्होंने इस घटना की निंदा की। इस बीच में हमलावर की पहचान सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला 20 साल का है। उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथिल पार्क का रहने वाला है। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस अब सवालों के घेरे में है। ट्रंप पर ऐसे समय में जानलेवा हमला हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हैं और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप संभावित उम्मीदवार हैं। अमेरिका में हुए सर्वे और मार्केट रिसर्च में सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावनाएं 69% है, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं 31% है, जो संभवतः जो बाइडेन हो सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के इतिहास में 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की जा चुकी है और 9 बार हत्या के प्रयास हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के ऐतिहासिक जगन्नाथ पुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया है। उस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखी है। देखिए रिपोर्ट। का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खुला था, जिसे अब खोला गया है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो वहीं हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसे थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। काला खैरमपुरिया भाव गैंग के गुर्गों के जरिए हरियाणा में गैंग चला रहा था और उस पर कारोबारियों को धमकाने और रंगदारी मांगने का भी आरोप है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा से लेकर पंजाब और फिर दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में इस वक्त कुछ गैंगस्टर अपना दम दिखाने में जुटे हैं। लूट, हत्या, किडनैपिंग और जान से मारने की धमकी देकर अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लिस्ट में शामिल है गैंगस्टर काला खैरमपुरिया। इस चेहरे को दुनिया 2014 तक राकेश के नाम से जानती थी, लेकिन पिता की हत्या के बाद इसने उनके हथियारों को खत्म करने की कसम खाई और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आज 10 साल बाद ये राकेश से काला खैरमपुरिया के नाम से हरियाणा, पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस के टारगेट पर था, जिसे अब गुरुग्राम पुलिस ने थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया और हिंदुस्तान में हवालात की हवा खिलाने के लिए लिया। काला खैरमपुरिया भाव गैंग के गुर्गों के जरिए हरियाणा में गैंग चला रहा था। इस पर हरियाणा और राजस्थान में डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप हैं। उसकी अपराध की कहानी 2014 से शुरू हुई और 2024 आते आते ये गैंगस्टर और पुलिस की हिट लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया। 14 जून 2014 को काला खैरमपुरिया के खिलाफ हत्या का पहला केस दर्ज किया गया था। काला खैरमपुरिया ने पिता की हत्या में शामिल बदमाश की हत्या की। 2015 में हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2020 में जेल से पैरोल पर बाहर आया, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद जेल जाने की बजाय फरार हो गया। 2021 में हत्या, 2022 में हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज किया गया था। दिसंबर 2023 में सोनीपत में सरपंच की हत्या का भी आरोप लगा और फिर 2023 खत्म होते होते हरियाणा की कोर्ट ने काला खैरमपुरिया को भगोड़ा घोषित कर दिया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगोड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने ऐसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। विदेश भागने के बाद गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया ने भाव गैंग के साथ मिलकर विदेश से नेटवर्क चलाया। नकली पासपोर्ट के जरिए खैरमपुरिया विदेश भाग गया था। दिल्ली में बर्गर किंग हत्याकांड के बाद वो सुर्खियों में आया था, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हरियाणा के हिसार में 24 जून 2024 को तीन नकाबपोश बदमाशों ने कार डीलर पर फायरिंग की, जिसमें काला खैरमपुरिया का दोबारा दुनिया ने नाम सुना। काला खैरमपुरिया और लॉरेंस गैंग के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है। वर्चस्व के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हरियाणा, पंजाब समेत अन्य शहरों में दोनों ही अपने गैंग को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दोनों के पर कतरे हुए हैं। दोनों खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनके प्यादे अब भी उनके नाम पर उगाही करते हुए आए दिन पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल कल जाएंगे दिल्ली, सुबह करीब 8 बजे पहुंचेंगे दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली के दौरे पर होंगे जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का प्रस्तावित है। दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, कल सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर वे दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक में शिरकत करेंगे। तो वहीं रायपुर में पिटबुल कुत्तों का 18, राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। नए कानून में पानी चोरी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, खो नागो रियन स्थित पार्क सिटी होटल द्वारा पानी चोरी पर कार्रवाई, जलदाय विभाग ने 14,480 रुपए का जुर्माना लगाया है।
तो नए कानून के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 राजस्थान ने पानी चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, उस पर एक्शन हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर है। राकेश, क्या है पूरा मामला, अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम आदमी को पानी उपलब्ध करवाने के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये होटल सिटी पार्क में मामला सामने आया, सात अवैध कनेक्शन मुख्य पाइपलाइन से मिले, उसके विभाग जलदाय विभाग सख्त हुआ है। चूंकि अभी पीएचडी शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने पानी चोरी रोकने, दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, और सख्त कानून के तहत पहली ये बड़ी कार्रवाई है जब 14 लाख से ज्यादा का जुर्माना किसी भी फर्म पर लगाया गया है। इसके अलावा शास्ती भी अलग से लगाई गई है। ये तमाम जो पानी की गतिविधियां, जो अवैध गतिविधियां हैं, उनको रोकने के लिए सरकार ने सख्त एक मैसेज दिया है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर पानी की चोरी की जाए। बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए न्यूज 18 प्राइम में फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं थमता है, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे।